नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज। आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। रासत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं लखनऊ की एक खबर के बारे में। लखनऊ से एक काफी दुखद समाचार आ रहा है कि एक लॉ थर्ड ईयर की स्टूडेंट की जो संदिग्ध हालत में मृत्यु हो गई है, और वो एक आईपीएस ऑफिसर की बेटी थी, जिसके कारण ये बड़ा मामला था। और हॉस्टल में जो है इन सारी चीजों को लेके काफी जो है वो खलबली मच गई, और शव को जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लेके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक दुखद घटना जो है संज्ञान में आई है। यहाँ लॉ थर्ड ईयर की छात्रा अनिका रस्तोगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। अनिका फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी, और इस घटना ने विश्वविद्यालय में शोक की जो है लहर है। पुलिस ने जांच के बाद में जो है कब्जे पोस्टमार्टम के लिए जो है शव को कब्जे में ले लिया था, और उसे जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नोएडा की रहने वाली अनिका एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की बेटी थी। इस घटना ने विश्वविद्यालय के परिसर में शोक की लहर है, और उनके साथी जो है वो इन सारी चीजों को लेकर सदमे में है। शनिवार देर रात घटना तब प्रकाश में आई जब अनिका की रूममेट कमरे से लौटकर दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुला। उसने तुरंत हॉस्टल की वार्डन को इसकी जानकारी दी। वार्डन ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई, और अनिका जो है फर्श में अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसे तत्काल जो है अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां पर जो है मृत घोषित कर दिया। और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जो है छानबीन अपनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट का जो है मामला ये हो सकता है, क्योंकि जो छात्रा थी उसको दिल की जो है बीमारी थी, जिसका ट्रीटमेंट भी उसका चल रहा था। और वास्तविक कारण क्या है ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पता चल सकेंगे। अनिका की मौत की खबर से विश्वविद्यालय के छात्र जो है काफी सदमे में है, और इन सारी चीजों को देखते हुए जो है वो सारे स्टूडेंट जो है वो उसको लेके जो है काफी शोक की लहर भी है। और विश्वविद्यालय के प्रवक्ता शशांक शेखर सिंह ने बताया है कि अनिका रस्तोगी एक होनहार छात्रा थी, जो कानून की पढ़ाई के साथ साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेती थी। उसके सहपाठी और शिक्षक उसकी अचानक हुई मौत से जो है सदमे में है, और उसे एक मेहनती और समर्पित छात्रा के रूप में जो है याद कर रहे हैं। अब इन सारी चीजों को देखते हुए देखना होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आएगी तब उसका जो शव है वो उसके होम टाउन जो है वहां पर ले जाया जाएगा, क्योंकि अनिका जो है वो नोएडा की रहने वाली बताई जाती है, तो शव को जो है वो नोएडा ले जाया जाएगा। अब वो सारी चीजें जो है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर ही निर्भर करती है कि पोस्टमार्टम में क्या निकलता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहे। धन्यवाद।